हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसीपैप एसपी टैबलेट के बारे में। एसीपैप एसपी टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे दवा काम करती है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इस दवा में एसीक्लोफेनेक 100 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम और सेरिसोपेप्टिडेज इसमें 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो सन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो ₹135 पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है, लेकिन ये MRP है। MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो एसीपैप एसपी टैबलेट का इस्तेमाल स्पेशली दर्द, बुखार और सूजन की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, चाहे वो सर दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, हाथ पैरों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। इन समस्याओं के अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को फीवर की समस्या है, बुखार की समस्या है, बुखार के साथ साथ बॉडी में पेन है यानी दर्द है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण वहां पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। तो अभी आपने जाना इसके उपयोग व फ़ायदे के बारे में, अब हम बात करेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो एसीक्लोफेनेक है, एसीक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो कि दर्द और सूजन की समस्या को दूर करती है। जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक दवा होती है जो कि फीवर की समस्या को दूर करती है, यानी ये बुखार को कम करती है। जो थर्ड मेडिसिन है इसमें सेरिसोपेप्टिडेज, सेरिसोपेप्टिडेज एक एंजाइम होता है जो कि अनवांटेड प्रोटीन्स को डिजॉल्व करता है, उसको ब्रेक करता है, जिसके कारण सूजन की समस्या दूर होती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने की वाली जगह पर सूजन आ जाती है और वहाँ पर दर्द होता है, तो जो सूजन आती है वो अनवांटेड प्रोटीन्स जमा होने की वजह से होती है। तो ये क्या काम करती है, उन अनवांटेड प्रोटीन्स को डिजॉल्व करती है, उनको ब्रेक करती है, हटाने का काम करती है, जिसके कारण वहाँ की सूजन कम हो जाती है। तो इस तरीके से दवा काम करती है। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए एक दिन में एक ही टैबलेट दी जाती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना है, क्योंकि हो सकता है आपके डॉक्टर इस दवा को दिन में दो बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है और उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। इसीलिए हमेशा आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करें। तो अभी आपने इसकी डोज के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इस दवा का प्रयोग करता है तो उसको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, चक्कर आना, दस्त लगना, नींद न आना, अपच की समस्या होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साइड इफ़ेक्ट ठीक नहीं होते हैं तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
अब हम जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। तो कुछ कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, लीवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, अस्थमा की बीमारी में, शुगर की बीमारी में। इन मेडिकल कंडीशन में आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को पैरासीटामोल से, एसिक्लोफेनेक से या सेरिसियोपेप्टिडेज से एलर्जी होती है या पास्ट में कभी इस दवा से एलर्जी हुई है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और अगर एलर्जी हुई है पास्ट में तो इस दवा का प्रयोग भी ना करें। नेक्स्ट है, अल्कोहल के साथ इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल के साथ ये आपस में इंट्रैक्शन कर सकती है और आपको कई तरह की समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति की पहले से कोई बीमारी की दवा चल रही है तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।